सो यार हो चुका है पंच स्नान और निकल पड़े हैं अपन लोग दक्षेश्वर महादेव मंदिर के लिए। सामने पर ही है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसा व्यू है। पीछे आप देख रहे हैं गंगा का सुंदर नज़ारा। तो चलो चलते हैं। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम मेन गेट पे। आप देख रहे हैं पीछे यहीं पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। तो फाइनली हम पहुंच गए, तो चलिए चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण रानी धनकौर ने करवाया था और 1962 में इसका पुनः निर्माण किया गया। इस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव मंदिर एवं दस प्रजापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बीच में भगवान शिव जी की मूर्ति लैंगिक रूप से विराजित है। यह मंदिर भगवान शिव जी के भक्तों के लिए भक्ति और आस्था की एक पवित्र जगह है। भगवान शिव का यह मंदिर देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान बने हैं, जिन्हें देखने के लिए मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर का परिसर जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, जिसमें शेर की बड़ी बड़ी दो प्रतिमा स्थित हैं, जो कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव जी के वाहन नंदी महाराज विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी के कान में कही जाने वाली बात या मनोकामना जल्द ही शिव जी के कान में पहुंच जाती है और जल्द ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, राजा दक्ष के यज्ञ के बारे में वायु पुराण में भी उल्लेख है। दोस्तों, मंदिर के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस गड्ढे में देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। हर साल हिंदू महीने के सावन में भक्त बड़ी संख्या में इस मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं। दक्ष महादेव मंदिर के निकट गंगा के किनारे पर दक्षा घाट है, जहाँ शिव भक्त गंगा में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हमने पंच स्नान किया था। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में भक्तों की भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, कनखल को भगवान शिव जी का ससुराल भी माना जाता है, क्योंकि दक्षेश्वर महाराज की पुत्री देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था एवं दक्षेश्वर महाराज इसी स्थान में निवास किया करते थे। इस मंदिर के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि दक्षेश्वर महाराज ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन दक्षेश्वर महाराज ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। यह बात जानकर भगवान शिव की पत्नी सती को बेहद दुख हुआ और उसी यज्ञ में आकर भगवान शिव की पत्नी सती ने अपना शरीर त्याग दिया। इस बात से वीरभद्र उन्होंने, जो कि भगवान शिव के गोत्र रूप माने जाते हैं, उन्होंने दक्षेश्वर महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने दक्षेश्वर महाराज को जीवन दान दिया और उन्होंने दक्षेश्वर महाराज के कटे हुए सर पर बकरे का सर लगा दिया और भगवान शिव ने दक्षेश्वर महाराज से यह वादा किया कि इस मंदिर का नाम हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहेगा।
फुटेज आया नहीं आया, बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, बट जितना हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी पुराना है। बोल रहे थे फ़ोन बंद करो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी दिखाया उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी बढ़ते हैं आगे के लिए। यही मेन मंदिर था दक्ष महादेव, ये था दक्ष महादेव मंदिर। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अच्छी जगह है, ज़रूर विजिट करें। काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ ये मंदिर है, और काफ़ी पौराणिक मंदिर है। तो यही है, तो वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ मैं आप लोगों को। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।